हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है मेरा यूट्यूब पर। वैसे तो दूसरा चैनल भी है, लेकिन वो कुकिंग चैनल है राव मंजू किचन के नाम से। आप लोगों ने जैसे मेरे राव मंजू किचन चैनल को सपोर्ट और प्यार किया है, तो प्लीज़ मेरे इस व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब करके प्यार और सपोर्ट ज़रूर करना। आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अब अपना मैं घर का काम कर लेती हूँ और फिर उसके बाद हम मार्केट जाएंगे, तो आप व्लॉग में कंटिन्यू रहिए। अब मार्केट चलते हैं, राव साहब जी के लिए कपड़े लेकर आएंगे। हमारा घर मार्केट से बहुत ही कम दूरी पर है, 1.5 से 2 किलोमीटर के करीब होगा। लेकिन ये देखिए, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है हमें मार्केट जाने में। इतना ट्रैफिक था कि पुलिस की गाड़ी का सायरन भी बजने लग गया। फाइनली हम काफी देर के बाद शॉप पर पहुंच गए जहां से हमें कपड़े खरीदने थे। लेकिन शॉप वाले भैया ने कहा कि जो आपको कपड़े चाहिए वो ऊपर मिलेंगे, नीचे नहीं है। सबसे पहले मैं आपको शॉप का लुक दिखा देती हूँ, ये अंदर से कैसी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है। और राव साहब अभी शर्ट देख रहे हैं, मैं आपको ये पूरी शॉप दिखाने के बाद ही राव साहब के पास जाऊँगी। आपको 2-3 बार देख चुका हूँ, वो दुकान मैं हूँ, मेरे को आपके साथ में ट्रस्ट बना। मैं अगर गलत चीज़ सुनूंगा तो अगली आप बोलोगे वो लड़का बेकार लड़का, उससे नहीं देखना। दादा जी क्या बोलेंगे, कस्टमर मेरा खराब कर, वो काम मैं बिल्कुल नहीं करता, सही है ना सही। मैं भले अगर आप 6 चीज़ लेने आए होंगे ना, मैं 4 चीज़ दे दूंगा, 7 चीज़ ले ली ना, तो उसमें अगर कोई चीज़ खराब होगी तो मैं बोल दूंगा कि ये चीज़ खराब है, ये चीज़ मत लो। कन्फ्यूज हो रहे हैं कि कौन सी पैंट के साथ कौन सी शर्ट पहने। हमने जो कपड़े लिए हैं उनके हमने ये प्लास्टिक बैग हटवा दिए, और जो ये डब्बे होते हैं ना ये शर्ट्स के, वो भी हम शॉप पर ही छोड़ा है। लास्ट में हमने पेमेंट की और शॉप से बाहर आ गए। ये शॉप सचमुच में हमें बहुत अच्छी लगी, इसमें बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। और दिवाली पास में है तो मार्केट बहुत अच्छे से सजा हुआ है, जैसे खिलौने हैं, भगवानों की मूर्तियां हैं अलग अलग तरह तरह की, और घरों को सजाने वाली बहुत अच्छी चीज़ें मार्केट में अभी आई हुई हैं। मैं मार्केट आई हूँ तो मैंने सोचा कि कुछ सब्जियाँ खरीद लेती हूँ, लेकिन मेहरौली की सब्जी मंडी में जब अंदर जाते हैं तो सबसे पहले मंदिर आता है और फिर उसके बाद ही सब्जी मंडी आती है। मंदिर में सारे भगवानों की मूर्तियां हैं। मैं अभी कुछ सब्जियां खरीद लेती हूँ। ये देखिए, ये सब्जी मंडी बहुत बड़ी है। आसपास के इलाके में सभी जो फेरी वाले सब्जी वाले होते हैं ना, यहीं से सब्जियां खरीद कर ले जाते हैं। मैंने सब्जी खरीदी और पेमेंट करके मैं सब्जी मंडी से बाहर आ गई। ये लो पैसे।
बैठू। और कुछ आगे धनिया लिया? हाँ धनिया 20 रुपए का, 80 रुपए का ये लाया है। ठीक है हाँ अब चलो। मेहरौली में बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो देखने के लायक है, और मेहरौली में एक ख़ास चीज़ देखने के लायक है कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार के बैक साइड में ही बड़े बड़े डिजाइनर्स का शोरूम है, जिसमें सव्यसाची का शोरूम भी है। जिसको महंगे डिजाइनर कपड़े पहनने का शौक है तो वह यहाँ से आकर ले सकते हैं, बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स हम घर में आ गए, बहुत अभी अक्टूबर का मंथ है लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीने आ गए बहुत बुरी तरह से। मैं आपको दिखाती हूँ हमने कौन कौन सी चीज़ें सेलेक्ट की है, अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हम दिखाई, एक हम ये वाली शर्ट लेकर आए हैं, और हमने देखी तो बहुत सारी थी, एक ये वाली लेकर आए और एक ये वाली लेकर आए। हमने इनके जो ये डब्बे थे वो हम लेकर नहीं आए क्योंकि हमें ही कूड़ा फेंकना पड़ता, तो इसके जो इसके ऊपर जो प्लास्टिक बैग होता है ना पॉलिथीन, वो भी हम उन्हीं को देकर आ गए। और मैं सब्जी मंडी में से 1 किलो आंवला और हरा धनिया लेकर आई हूँ। आंवला सभी को सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए। और जो मेरा कुकिंग चैनल है उस पर आंवले की बहुत सारी रेसिपीज हैं, अचार और चटनियाँ, वहाँ पर आप विजिट करके देख सकते हैं। मेरे कुकिंग चैनल का नाम है राव मंजू किचन, वहाँ पर आप विजिट करके देख सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज मिलेगी आपको। और फ्रेंड्स अब हम डिनर बनाएंगे, मिलते हैं डिनर बनाने के बाद। मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा आज हम सब्जी नहीं खाएंगे, पालक के पराठे खाएंगे, तो मैं पालक के पराठे बनाऊंगी। लेकिन पराठे बनाने से पहले मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ, बहुत सारे बर्तन गंदे हैं। मैंने पालक काट लिए, अब इसमें डाल दूंगी आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च काट कर रखी है तो मैं ये भी डाल दूंगी, और थोड़ा सा डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच जीरा, थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी पाउडर। अब इसमें आटा डाल देंगे, आटा मैंने अब गूंद लिया है। अब मैं आपको पराठे बनाकर दिखाती हूँ। इस तरीके से पालक के पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और मैं इनको चटनी के साथ नहीं ककोड़े के अचार के साथ खा रही हूँ। ककोड़े करेले के जैसे ही होते हैं लेकिन कड़वे नहीं होते हैं। आप ककोड़े के अचार की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल राव मंजू किचन पर जाकर देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी अचार की रेसिपीज हैं। फ्रेंड्स अब शाम हो गई, अब व्लॉग की एंडिंग हम अभी यहीं करते हैं। आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करना हमें, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी इसको ज़रूर शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।